बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, डे 74, आज हमारे पास मीठी बत्तियां, सखियन की मीठी बत्तियां सेशन में तरवीन गुप्ता जी अपने हृदय के बहुत मीठे भाव, अपने जीवन की वो मीठी बत्तियां लेकर आई हैं। आइए चलते हैं उन्हीं के मुख से। प्रणाम जी तरवीन जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया। आवाज प्रणाम जी। आ रही? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, जालंधर के प्रेम गुप्ता जी, हमारे प्रेम आंटी, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमें बीतक साहब का रसपान करवाया है वाणी चर्चा का, ये उन्हीं की बहू हैं और मैं भी बचपन से इनको जानती हूँ। बहुत सुंदर मीठी बातें आज ऐसा लगता है आने वाली हैं। तो पहला प्रश्न वही तरवीन भाभी की, किस प्रकार आप सुंदर साथ परिवार में शामिल हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, मैं मतलब मायका तो मेरा गैर परनामी ही था, तो शादी करके मैं परनामी परिवार में आई। और यहाँ पे मतलब मेरे लिए सब कुछ नया ही था, कुछ भी मतलब नहीं जानती थी मैं। हुआ ऐसा कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी शादी थी 9 फरवरी की, 13 या 14 तारीख का बसंत का भंडारा था जलंधर में। तो जब मेरी शादी हुई, तो 2 दिन बाद ही जैसे मंदिर में आना जाना शुरू हो गया। सुबह भी मंदिर, शाम को फिर मंदिर। जब मेरे घर वालों का फोन आना, तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, वो उनके घर में फोन आता था उनका, तो वो कहते थे कि वो तो सभी मंदिर गए हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं है। तो जब उनका शाम को फोन आना, तब भी यही मतलब उनको जवाब मिलना। तो वो कहते कि शादी से पहले तो कभी मंदिर गई नहीं थी, अब तो जैसे उन्होंने मंदिर में चढ़ा दिया है उनको। तो ऐसे मतलब सरकार श्री की चर्चा सुनी, तो मतलब कुछ समझ तो नहीं इतना आता था, सब जैसे अक्षरातीत, अक्षर, कुछ तात्म वाणी, कुछ सभी शब्द मेरे लिए नए ही थे। तो बस यही है, ये मतलब मेरे को सारा। फिर मम्मी ने धीरे धीरे, मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे थोड़ा समझाना शुरू किया मेरे को, और फिर समझ में आता भी गया थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे मैं मतलब परनामी परिवार में आई मैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो देखा, प्रवाही से आए हुए प्रणामी परिवार में शादी हुई और किस प्रकार आज आपको पता है तरवीन जी ने बीतक साहब के और कौन कौन से क्विजेस बना बना के ये हमें देती हैं। सिंधी के भी उन्होंने क्विज बना रखे हैं। आज इतनी सेवाएं, वो पीछे रहकर छुप कर, मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, पीछे से कितनी पीडीएफ बना बना के, या बनाने में कमलेश भाई जी की इन्होंने इस सेवा में हेल्प की है, इसके लिए आपके चरणों में प्रणाम जी। और क्या बात थी जो आपको खींचती चली लाई इस तरफ, कैसे कैसे अंदर से वो हुआ कि नहीं, दिस इज द राइट पाथ, मैं सही रास्ते पे हूं। ऐसे था, जब मतलब मेरी एंगेजमेंट हुई, तो मेरा परिवार मानते थे वो जैसे बाबा लाल जी को, ध्यानपुर वाले, ठीक है। तो मेरे मम्मी ने ना मेरे को बोला हुआ था कि शाम की आरती तुमने ही करनी है, तो मैं ही करती थी शाम की आरती। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई, तो 2 3 दिन बाद ही मैंने बोल दिया उनको कि मैंने नहीं किया करनी अब आरती, अब आप ही किया करो। तो मैंने आरती करना पहले ही छोड़ दिया था सब कुछ मतलब। तो हम शादी से पहले कभी मंदिर भी नहीं गए थे, मतलब कभी भी ना, कभी शिव जी के मंदिर, ना कभी माता के मंदिर, कभी नहीं गए थे हम। तो यहाँ पे मतलब जैसे धार्मिकता देखी, सभी धार्मिक स्वभाव के थे। हमारे डैडी भी जैसे सेवा भाव में बहुत आगे थे। तो
ऐसे धीरे 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 धीरे, जैसे पहले तो मेरा मन इतना नहीं था, कितने सालों तक ठीक है मैं मतलब करती थी, मेरे को इतना समझ आ गया था कि राज्य के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी देवी देवता मतलब उनके ऊपर नहीं है, यही शक्ति सबसे ऊपर है, बस इतना ही मानती थी मैं, इससे ज्यादा नहीं, कभी वाणी नहीं पढ़ती थी। हाँ मम्मी मेरे को बोलते थे बार बार कि त्रिवीण वाणी पढ़ा करो, वाणी पढ़ा करो, मैंने शुरू भी की 2-3 बार, सरकार श्री जी का टीका शुरू किया मैंने, पर मैं जैसे ही मतलब पढ़ती थी कभी मैं 3 या 4 प्रकरण से आगे नहीं बढ़ पाती थी, मैं बस वहीं तक छोड़ देती थी, फिर 1 साल 2 साल में फिर शुरू करना, फिर वही 2 प्रकरण पढ़ लिए या 3 पढ़ लिए फिर बंद कर देना। मैंने बोला मेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसे ही मतलब मेरा चलता गया, फिर काफी साल ऐसे ही मेरे मतलब निकल गए, आज से शायद 12, 13 या 15 साल पहले की बात है, मेरा ना मतलब राज्य से, मैंने बोला राज्य मतलब ऐसे कहते रहते हैं राज्य है राज्य है, राज्य है तो है नहीं, तो हम अगर राज्य हो तो हमारी बात ना सुने, तो मैंने ना मतलब मंदिर में माथा टेकना भी बंद कर दिया, मतलब कुछ भी करना बंद कर दिया। फिर मम्मी ने मतलब नोटिस किया कि तरवीन जब तू नहा के राज्य को मत्था नहीं टेकती, तो मैं चुप कर गई, मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद मेरे को लगा मम्मी मतलब नोटिस कर रहे हैं, तो मैंने माथा टेकना भी शुरू कर दिया, पर मेरे मन में ना कुछ ये दुविधा थी कि मैं किस तरफ जाऊं, राज्य को छोड़ के मैं किसी तरफ मतलब जा भी नहीं पा रही थी, ऐसे मैंने किसी को बताया नहीं, ना मम्मी को ना मतलब इनको, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे मन में ऐसे द्वंद सा चलता रहा कितनी देर। फिर हमने गोटा प्रायण करवाया मंदिर में, तो गोटा पाठ के बाद जब चौपाई निकली, वो चौपाई जैसे मेरे लिए ही थी, चौपाई का जब मम्मी ने अर्थ किया तो वो ये था कि आप इष्ट और ईमान बनाए रखना, फिर वो चौपाई जैसे ना मेरे को अंदर तक चुभ गई, और उसके बाद मैंने कभी भी मतलब विश्वास मेरा डगमगाया नहीं राज्य से। हाँ इतना दृढ़ तो नहीं कह सकती, जैसे कोई भी हालात ऊपर नीचे होते थे तो मैं घबरा जाती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब जब से मैंने ये बीतक सुननी शुरू की है तब से मेरा मतलब मन बहुत जैसे दृढ़ हो गया है, अब मन ऐसे डगमगाता नहीं है, सब राज्य के ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है जो जो भी करेंगे राज्य करेंगे, राज्य ने ही करना है सब कुछ, अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, जब राज्य पे छोड़ते हैं तो सब कुछ ऐसे ही पता भी नहीं लगता कि कैसे हो गया, यही है बस। जी अरे वाह, देखिए सुंदर साहब जी, श्री बीतक साहब और श्री तारतम वाणी कैसे अंदर बल देती जाती है। पहले स्थिति ऐसी होती थी कि अंदर ऐसे लगता था आज माथा नहीं टेका या ये पाठ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए कर लो। हमने पधराए तो राज्य होते थे पर सामने हम उनको ट्रीट देवी देवताओं की तरह ही करते थे कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। पर अब धीरे धीरे वाणी से जुड़ता हुआ सुंदर साथ, बीतक साहब से जुड़ते हुए सुंदर साथ ऐसे हो चुके। कल भी दो सुंदर साथ से बात हुई, उन्होंने यही बोला कोई दुख अब दुखी नहीं कर पाता, अब अपसेट नहीं कर पाता क्योंकि अंदर बल पकड़ता जा रहा है, ये मैजिक ब्रह्म वाणी से जुड़ के सब सुंदर साथ के जीवन में होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, बीच में डगमगाया पर राज्य नहीं छोड़ते, चौपाई ऐसी निकाल दी कि उसके थ्रू ही प्रबोध कर दिया कि आप मेरे अंग हो इसलिए घबराना नहीं है। तो आगे कैसे हुआ और क्या-क्या हुआ तरवीन जी? ऐसे मेरी ना छोटी सिस्टर है वो मतलब थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तरफ है, तो वो ना मेरे को बोलती रहती थी कि तू चल मेरे साथ, मतलब जैसे चलो जीजा जी का काम इतना नहीं है तो तू मेरे साथ चल वहां पे चर्च में, तो अपने घर वालों को मत बताना, अपनी सास को मत बताना, तू जीजा जी को मत बताना, तू मेरे साथ चल वहां पे, मैं तेरे को लेके चलती हूँ वहां पे, वो प्रेयर करेंगे ये वो, मतलब बहुत मैं उसकी बात नहीं सुनती थी। एक दिन तो ना वो मेरे पीछे ही पड़ गई बहुत ज्यादा,
तब मैं जब वापस अपने घर में आई तो मेरे को इतना रोना आ रहा था ना, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे मेरे कि राजी जी आप सब क्या दिखा रहे हो मेरे को, मैं नहीं जाना चाहती किसी तरफ, और जैसा आप करोगे वैसा ही ठीक है। ये काफी साल पुरानी बात है। तब जब भी वो कहती थी ना मेरे घर आ मेरे घर आ, तो मेरा ना मन नहीं करता था उसके घर जाने को। मैं कितनी देर तक उसके घर भी नहीं गई, ऐसे फोन पे बातें होती रहती थी। फिर जब उसने देखा कि ये तो मतलब इस तरफ आने वाली नहीं है, तो उसने फिर धीरे धीरे मेरे को कहना भी छोड़ दिया उसने। लेकिन उस दिन मैंने राजी को यही बोला कि राजी ये भी आप मतलब एक तरह की परीक्षा ही ले रहे हो मेरी, कि देखूं ये उस तरफ जाती है या नहीं, पर मेरा मैं नहीं जाऊंगी उस तरफ, मेरे को पता है कि आप ही करने वाले हो सब कुछ, आपने ही करना है। और भी उन्होंने मेरे को मतलब बहुत कुछ दिखाया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, बहुत सी ऐसे बातें हुई मेरे को दिखाई राजी ने, जो मतलब मेरे को इस तरफ लेके आई, मेरा विश्वास दृढ़ किया राजी ने। वो कहते हैं ना चौपाई आती है बाले से, बुढ़ापन लग तेरे सिर पर मेरे सिर पर खड़े सुभान, वो ऐसा आज भी मेरे को वही लगता है कि जैसे बचपन से लेके, मैं तो उनको नहीं जानती थी लेकिन राजी तो पल पल मेरे उनका वरद हस्त मेरे सर के ऊपर ही था। जब अब 4 साल पहले की बात है, जब मैं एक बहुत बीमार हो गई थी, मैं आईसीयू में थी, तो मेरे को तब लगा कि नहीं अब मैं बस मतलब नहीं बचूंगी, तब मेरे को मतलब ऐसे मेरे को लगा कि राजी ने जैसे मेरे को हाथ देके बचाया, मेरे को बस यही लगा, मेरे को बस यही है कि विश्वास दृढ़ होता है। पर जब से बीतक सुनिए तब से तो मतलब और भी ज्यादा, बिल्कुल अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि डगमगा जाए विश्वास। अच्छा एक बात बताइए, आपने पहले भी बहुत बार बीतक सुनी होगी, सुनी हुई है? हाँ जी सुनी भी है मैंने, राजन स्वामी जी की पढ़ी भी हुई है, टीका भी पढ़ा हुआ है सारा। वेरी गुड, क्योंकि प्रेम आंटी तो खुद बीतक किया करते थे। मैंने जो 20 साल सुनी है ना, वो उन्हीं से सुनी है सुंदर साहब जी, जो मैं 20 इयर्स 20 इयर्स बीतक साहब बोलती हूँ, वो मैंने प्रेम आंटी के मुख से ही सुनी हुई है। सरकार श्री से थोड़ी बीच बीच में सुनी है, कभी कभी जब हम जा पाते थे उनसे सुनने के लिए। बहुत सुंदर। अब ये बताइए, घर का जो माहौल था वो राज्य की ओर लाने के लिए कैसे सहायक सिद्ध हुआ? जैसे संजय भैया, वो भी बहुत लगे हुए हैं राज्य की ओर। हाँ वो ऐसा है कि जैसे मेरे को, मैंने आपको बताया ना मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मैं पूछती रहती थी ये अक्षरातीत कौन है, ये तातम वाणी किसी तातम क्या है, मतलब ये वर्ड मेरे मेरे लिए बहुत नए थे। तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझाते रहते थे, मैं मम्मी के पास भी जब बैठती तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे मेरे को बताते रहते थे कुछ ना कुछ, तो मेरे को ऐसे कुछ समझ आता गया। जब मेरी शादी फेब्रवरी की थी तो अक्टूबर या नवंबर में करवा चौथ का व्रत आया, तो इतना तो समझ आ गया था कि व्रत रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो मायके वालों ने अपना जो विहार करना होता है वो, क्योंकि पहला व्रत हमारे यहाँ मायके में ही करते हैं करवा चौथ का, तो मैं करवा चौथ का व्रत करने के लिए गई हुई थी मायके में, तो मेरे को ना बहुत मतलब बुखार हो गया, तो मम्मी और सब गए हुए थे करवा चौथ का त्योहार लेकर, मम्मी ने बोल दिया उधर मेरे मतलब मदर को, अगर इसको बुखार है तो ऐसा करना आप 12 बजे तक ना इसका इसको खाने पीने के लिए दे देना, कोई बात नहीं 12 बजे तक रख लेगी व्रत, उसके बाद कोई बात नहीं। तो उनको ना जैसे बहुत मतलब अच्छा सा ना लगा कि ये क्या बात हुई, करवा चौथ का व्रत है इतना बड़ा व्रत है तो इतनी बात बोल दी उन्होंने कि 12 बजे तक ही रखवा देना व्रत, कोई बात नहीं। तो पर मैं तो इतना समझने लगी थी तब कि ये सब करने से किसी की आयु लंबी नहीं होती, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है सब कुछ, तो ऐसे ही बस कुछ ना कुछ समझ में आता गया धीरे 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 धीरे। फिर मैं वाणी तो नहीं पढ़ती थी, वाणी मैंने पढ़नी शुरू की है जब लॉकडाउन लगा,
तब मैंने, फ्री होते थे घर में, कुछ काम इतना काम होता नहीं था, तो मैंने मतलब घर में पाठ मतलब वाणी पधराई पाठ पढ़ने शुरू किए। एक पाठ खत्म होना दूसरा रख लेना, दूसरा खत्म होना तीसरा रख लेना, ऐसे मैंने काफी पाठ पढ़े। शायद राज जी ने अपनी तरफ ऐसे ही खींचना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मैंने टीका भी शुरू किया उसके बाद, फिर टीका में भी मेरे को अच्छा लगने लगा, तो मैं धीरे धीरे, ज्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ टीका भी, अब थोड़ा थोड़ा समझ भी आने लगा है। ऐसे ही मैं मतलब वाणी की तरफ राज्य की तरफ खींचती चली गई। जी, इन्होंने कहा है सुंदर सा जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, पर ये प्रश्नोत्तरियां बनाती हैं और उसको देखकर हमें पता लगता है कि इनको कितना समझ में आने लगा है। कुछ सुंदर सा आगे बढ़ के बोलते नहीं है, वो गुप्त सेवाओं में रहते हैं और ये उनमें से एक हैं। और संजय भैया भी बहुत सुंदर सुंदर सा जी परम धाम के मॉडल्स बनाते हैं, परम धाम के नक्शों के मॉडल्स बनाते हैं। और भाभी ने सिंधी की प्रश्नोत्तरी, बीतक साहब की श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी बहुत बड़ा हाथ था प्रश्नोत्तरियां बनाने में। राज्य की बहुत मेहर बरसती है, सेवा की ओर कैसे अग्रसर हुए तरवीन जी? सेवा की तरफ पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जूम कैसे ज्वाइन किया। जी, वेरी गुड। वो ऐसा हुआ कि पहले मेरे को ना सुप्रभा आंटी ने बताया कि अमृतसर वाली मीनू ना वो करवाती है, चर्च नहीं करवाती है, तो तू देखा कर। मैं कहा आंटी मेरे को समझ तो आता नहीं है कुछ, मेरे को कहाँ समझ आएगी, क्योंकि घर में मम्मी भी करवाते थे ना, सुंदर साथ आते थे समझने के लिए चर्च नहीं वगैरह, तो मैं कुछ मेरे को समझ नहीं आएगा, मेरा तो ना कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। कहते नहीं तुम बहुत अच्छा समझा रही है, तुम भी देखो वीडियोस देखने शुरू करो। तो उन्होंने मेरे को जूम की आईडी वगैरह दी, तो मैंने देखने शुरू किए। ये बात नहीं कि वो बहुत अच्छा समझाती थी, वो धीरे 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 बहुत प्यार से। और फिर मैं जब ना, मैं सच बताऊं, जब वो बाहर जाली द्वार आते हैं, इतने जाली द्वार हैं, इतने द्वार हैं, इतनी खिड़कियां हैं, मेरा तो ना जैसे दिमाग ही चकराने लग रहा था कि ये क्या। मैं बस वही बंद कर देती, यहीं तक देखती थी फिर वही बंद कर देती थी। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं पड़ेगा ये। फिर एक बार ना ऐसे आशी दीदी तो हमारे घर में आते जाते ही रहते हैं, तो एक बार उन्होंने बोला कि तरवीन तू सोनिया ने शुरू की है क्लास, वो ना चटनी देखनी शुरू कर वीडियोस। तो मैंने दीदी को भी यही बोला, दीदी मेरे को समझ तो कुछ आता नहीं है, मेरे ना दिमाग से ऊपर ऊपर से चला जाता है सब कुछ, है मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता। कहती नहीं, तू देखना शुरू कर, वो तो ऐसे हैं जैसे ना एक प्री नर्सरी बच्चे को मतलब करवाते हैं, वो ऐसे समझाती है। तो मैं जब मैंने ये मेरे दिमाग में बात है कि प्री नर्सरी के बच्चे की तरह समझाती, तो ठीक है मैं देख लूंगी। तो अगर नहीं सब, क्योंकि दीदी ने पूछना भी है बाद में कि तरवीन तूने वीडियोस देखी थी, तो मैंने इसलिए देखनी शुरू की कि हाँ मैं दीदी को बोल दूंगी मैंने देखी तो थी लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने देखनी छोड़ दी। बट जब मैंने देखनी शुरू की ना वीडियोस, तो मेरे को सच में समझ में आने लगा। तो फिर मैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वीडियो सभी देखती चली गई। तो सभी वीडियोस मैंने वो चटनी की देखी, तो वो चटनी से योग्यता में जब भाग भी लिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद जब बीतक साहब शुरू हुई, तो एक दिन ऐसे सुप्रभा आंटी से, क्योंकि बात तो होती रहती है मेरी फोन पे, मंदिर में भी मिलते ही रहते हैं, तो उनसे बात कि मेरे को ना बीतक साहब के मतलब ये डेट्स वगैरह याद नहीं रहती, या कुछ ऐसे मेरे को ना याद भूल जाता है सब। तो वो कहने लगे एक ना कमलेश भाई मीटिंग करते हैं शाम को, तो उसमें ना वो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उसकी रिवीजन हो जाती है, आप ना ऐसे करो आप ना वो शाम को ज्वाइन किया करो। तो उन्होंने मेरे को आईडी दी जूम की, तो मैंने वो ज्वाइन करना शुरू किया।
और सच में सब सुंदर साथ मिलके करते थे, तो वो मतलब अंदर तक बैठ भी जाती थी बात, जब प्रश्न उत्तर बनते थे, बनाते बना के लाते थे सुंदर साथ। तो एक दिन कमलेश जी बोले कि कोई सुंदर साथ बना के लाए क्वेश्चन आंसर कल के। तो मतलब किसी ने मतलब जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने ना मेरे को ही बोल दिया कि तरवीन आंटी आप बना दोगे। मैंने बोल तो दिया कि हाँ बना दूंगी, लेकिन बाद में सोचो कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाऊंगी, मैंने तो कभी बनाई नहीं है, तो कैसे करूंगी। अब मैंने बोला है तो बनाने तो पड़ेंगे। तो मैंने ना कुछ थोड़े से जो एक वीडियो के क्वेश्चन आंसर जो हुआ था उसके मतलब बनाए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब तो कोई दूसरा सुंदर साथ बना लेगा, तो मैं तो निश्चिंत होकर बैठ। तो अगले दिन फिर मतलब कमलेश जी का ही फोन आ गया, तरवीन आंटी आप ना आज के क्वेश्चन आंसर भी बना देना। मैंने सोचा ठीक है मैं बना दूंगी। ऐसे 2-3 बार उनका फोन आया तो मैं उनको बोल देती थी कि हाँ बना दूंगी, मैं बना कर उनको भेज देती थी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं उनको फोन ना करना पड़े अब, तो मैं खुद ही बनाकर उनको भेजने लगी। जो रोज की वीडियो होती थी उसके क्वेश्चन आंसर उनको अगले दिन या शाम तक बना के भेज देती थी। अब वैसे ऐसे ही राज्य की मेहर से थोड़ी बहुत बस। बाकी जो सिंधी के क्वेश्चन आंसर की आप बात कर रही हैं वो मैं नहीं, हाँ मैंने थोड़े बहुत लिखे जरूर हैं, लेकिन सब सुप्रभा की मतलब देख रेख में लिखे हैं, सब उनसे पूछ पूछ के जितने भी लिखे हैं मैंने। क्योंकि तो सिंधी में इतना नहीं समझ आता है कि कुछ ये ना हो कि कुछ गलत हो जाए, फिर वो सुप्रभान के बता भी दे बताती हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आप ये ऐसे ठीक करके लिखो। अगर बीतक साहब में भी मेरे को लगता है ना कि क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो मैं उनको ही फोन करके पूछती हूँ, फिर वही बताते हैं मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं बनाती हूँ, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं सुप्रभान के। जी बहुत सुंदर। ये सुप्रभा जी भी पीछे गुप्त सेवाओं में कितनी संलग्न रहती हैं मुझे पता लगता रहता है, मुझे भी नहीं बताती वो कि तरवीन जी के साथ इधर, मुझे उन सुंदर साथ से पता लगता है कि सुप्रभा जी ने हमें ये भी बताया था, तो उनके चरणों में भी प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, ये वही कमलेश भाई हैं, हम लोग जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला की रिवीजन कर रहे थे तो सुंदर साथ ने मुझे कट करके भेजी एक रील जिसमें पहली बार कमलेश भाई जी को बोला गया था कि आप प्रश्न बना के लाइए, और कमलेश भाई खुद मानते हैं कि वो दिन था जब सेवाएं शुरू हुई थी, फर्स्ट मोमेंट कभी नहीं भूलता कि मेरी सेवा कैसे शुरू हुई थी। तो पहली बार ऐसे ही बोला था कि आप नए आए हैं, चलिए कमलेश भाई आप प्रश्न बना के लाएंगे। बोलते हैं मैं नया आया था और फर्स्ट टाइम मुझे ही प्रश्न बनाने को बोल दिया गया। हम कहाँ कहाँ से उधार मांगने गए थे प्रश्न उस दिन, क्योंकि हमको बनाने नहीं आते थे, हमने इनसे पूछा इनसे पूछा पर कहीं से मिल नहीं पाए, तो इसलिए हमको खुद ही बनाने पड़ गए। और वो कहाँ पे पहुंच के सहयोगिता के प्रश्न उनको बनाने थे, हम नहीं जानते थे कि वो सेवाओं में कितने आगे बढ़ने वाले हैं, पर उन्होंने तरवीन भाभी को आगे प्रेरित किया कि आप प्रश्न, वो खुद भी बना सकते थे पर उन्होंने और सुंदर साथ को आगे किया कि आप प्रश्न बना के लाइएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं कितने सुंदर साथ को प्रेरित करते हैं सुंदर साथ, आप भी कीजिए, जो नहीं कर पा रहे उनको करवाइए, उनको कहिए, पता नहीं किसके अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ बाहर निकल आए और आपको पता नहीं है, ये हमारी प्रश्नों की विकिपीडिया है, हमारी तरवीन जी। ये अभी भी खुल के बोल नहीं रही अपनी सेवा के बारे में, पर मैं जानती हूँ कि कितना सारा इन सुंदर साथ जी ने किया है। आपके चरणों में प्रणाम जी। अब ये बताइए कि आपने स्वामी जी का टीका पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि भावार्थ होने टीका में जरूरी है या फिर भावार्थ के बिना भी चल सकता था? नहीं, क्योंकि मैंने सरकारश्री जी का मतलब नहीं पढ़ा है टीका। जी मैंने बताया आपको ना कि मैंने पढ़ना शुरू किया, मम्मी हमेशा यही कहते थे कि खिलवत से शुरू करो तरवीन, खिलवत से शुरू करो।
तो मैंने जब भी खिलवत शुरू की तो मैं 4 प्रकरण से ज्यादा नहीं पढ़ पाई कभी भी। तो उसके बाद स्वामी जी का जब टीका आया तो मैंने अभी पढ़ना शुरू किया कुछ, मतलब 2-3 साल पहले। पहले तो मैं वो भी नहीं पढ़ती थी क्योंकि घर में तो था वो भी, क्योंकि जब भी किताब आती थी नई तो मम्मी तो उसी समय जा ले आते थे, जा किसी से मंगवा लेते थे। तो अब जब भावार्थ पढ़ते हैं अर्थ के साथ तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खुल के बता दिया गया है, अब कुछ और समझने की सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं है कि हम सुनते नहीं है, हम सुनते हैं, चर्चा भी सुनते हैं, स्वामी जी की जो चर्चा आती है वो सुनते हैं, अशोक जी की सुनते हैं, प्रवीण प्रवीण जी की सुनते हैं, सरकार श्री की भी सुनते हैं हम। तो भावार्थ होने से ये है कि सबको आसानी से समझ आने लगा है, सब कुछ बहुत खुल के बताया हुआ है उन्होंने, समझाया हुआ है अपने तरफ। उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की है कि सुंदर साथ को आसानी से समझ आ जाए, लेकिन हम उन्होंने इतनी मेहनत की है लिखने में करने में, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कितने, मतलब क्या बोलूं, मेरे को वर्ड्स भी नहीं आते कि हम हमारे पास पढ़ने का भी समय नहीं है, ऐसा लगता है कई बार। जी सुंदर साथ जी, ये बहुत मितभाषी हैं, बहुत कम बोलती हैं, आज पहली बार शायद इतनी बातें कर रही हैं हमारी तरवीन जी। ये बताइए, सरकारश्री की उपस्थिति को आपने घर में बहुत महसूस किया, बहुत बार सरकारश्री आते थे, कैसा माहौल होता था घर में? सोनिया, मैं जब मेरे 94 में मेरी मैरिज हुई तो उन्होंने तब से आना मतलब बंद कर दिया था मेरी मैरिज के बाद। तो उन्होंने बोला मम्मी को कि अब आपके घर में जगह कम है, 2 बहुएं हो गई हैं आपके घर में, तो उनको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी होने रहने लगी थी ना। तो जी हमारे जैसे पुराने घर बना हुआ है तो कमरे के साथ ज्वाइंट बाथरूम नहीं है, तो तब उनको जरूरत होने लगी थी इस चीज की। तो उसके मेरी शादी के बाद एक बार या 2 बार आए हैं घर में। तो पहली बार तो जब घर में आए ना तो हम मंदिर में थे, तो मंदिर से ना सीधे मम्मी जब भी आते थे सरकार तो पाठ पढ़ के रखते थे, तो कहते थे सरकार श्री इतने पाठ पढ़े हैं कि उनसे ही मतलब समाप्ति उनसे ही करवाते थे। तो ऊपर कमरे में वाणी पधरा के गए हुए थे मम्मी सब, तो कुछ सुंदर साथ थे उनके साथ, तो मम्मी कहते तू भी उनके साथ घर में चली जा। तो मैं भी घर में आ गई, तो सरकार श्री घर में ऐसे आए तो फटाफट सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कमरे में आ गए। मैं बहुत हैरान हुई कि कैसे मतलब अपने आप ही सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कमरे का दरवाजा खोला, कमरे में आ गए और कहने लगे ये लेके आओ वो लेके। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या क्या चाहिए होता है समाप्ति में, तो मैं इधर उधर देखने की, मम्मी तो अभी मंदिर में थे, मंदिर से आए नहीं थे अभी, मेरे को नहीं पता कि कौन कौन सुंदर साथ है। उन्होंने अपने आप ही जो चाहिए था शायद किचन में जाके सामान वगैरह लाके दिया उन्होंने, और तब तक तो मम्मी भी आ गए थे। तो मैं तो ना डर ही रही थी ऐसे, मेरे को ना सरकारशी से डर बहुत तो लगता था, जब मैं बस प्रणाम करने अकेली भी नहीं जाती थी कभी प्रणाम करने उनको ना, मैं उनको इनको बोलती थी ये जब आप प्रणाम करने जाओगे ना सरकार श्री को तो मेरे को साथ लेके जाना, क्योंकि मायके में मेरे डैडी भी बहुत सख्त स्वभाव के थे, तो जैसे सरकार श्री भी थी सख्त स्वभाव के, मेरे को डर बहुत लगता था। तो जब मतलब फिर भगत जी के घर में वो मतलब रुकने लगे थे, उसके बाद 94 तक तो इधर ही आते थे, फिर उसके बाद वो उधर ही रहने लगे थे क्योंकि उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी उनको रहने लगी थी इसलिए। वैसे जी सरकार श्री को मैंने मतलब हम रतनपुरी जाते थे तो सुनते थे सरकार श्री को, जब जलंधर में भी आते थे तो उनकी चर्चा सुनते थे, चर्चा तो अच्छी लगती थी ये बात नहीं, लेकिन जब कुछ चर्चनी का करवाते थे ना मम्मी जैसे सुंदर साथ घर में आते थे तो मेरे को ना होता था कि मैं यहाँ से ना उठ ही जाऊँ, कि मैं यहाँ बैठू ना, तो मैं जब भी मैंने उठने लगना ना तो मम्मी ने बोला तो बैठ जा, मैं नहीं मैं चाय बना देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, ऐसे करके मैं कुछ ना कुछ बहाना मतलब ढूंढने लगती थी कि मैं यहाँ से उठूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
जी मेरी मम्मी से भी सुंदर साथ जी चटनी सीखने आते थे सुंदर साथ घर में। मैं भी ऐसे ही करती थी, मुझे कहा भी जाता था ना कि यहाँ बैठ जाओ, तो मैं बच बच के इधर उधर चली जाती थी कहीं बैठना ना पड़ जाए, यहाँ पे बहुत बोरियत है, कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो बच के निकल जाओ नहीं तो 1-2 घंटे इधर चले जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि वो क्षण कब आने वाला है। तो आप तो चर्चनी में बहुत डीप प्रश्न पूछा करती थी, अभी अभी मुझे बताया गया है कि बीतक की प्रश्नोत्तरी अभी तक हमारी तरवीन जी ही बना रही हैं, अति सुंदर सेवा। और ये बताइए तरवीन भाभी कि लॉकडाउन के बाद जब वाणी सुननी शुरू की, मंथन करना शुरू किया जूम से जुड़े, तो जीवन में कैसे बदलाव आए? जीवन में मेरे को ये तो पता नहीं कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। हाँ, धीरे धीरे जैसे कह लो मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत थी, हर बात को मैं नेगेटिव वो सोचती थी कि कहीं अगर ये ऐसा हो गया तो फिर ऐसा कैसे होगा। तो मेरे को ना ये भी कहते रहते थे कि तू ऐसा क्यों सोचती है, तू ऐसा क्यों सोचती रहती है। और पहले मेरे को मम्मी भी ऐसे ही बोलते थे, तू अपने अंदर से पहले ना नेगेटिविटी निकाल अपने अंदर से। तो मैं कोशिश भी करती थी, मतलब वो हो नहीं पाता था। बस मेरे को जैसे आदत ही थी कि बस नेगेटिव ही सोचना, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे होगा, ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे होगा। पर जब से मैंने वाणी पढ़नी शुरू की है, मैंने बीतक साहब सुननी शुरू की है, तब से मैंने खुद में नोटिस ये बात की, मैं घर में बताती भी हूँ कि अब मेरे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं रही, अब हर बात को पॉजिटिव लेके सोचती हूँ। मतलब अब मन में ये आता भी नहीं है कि अगर ऐसा हो गया तो लगता है जो राजी करेंगे ठीक ही करेंगे, बस अब उनके उनके हाथ में छोड़ा हुआ है सब कुछ। ये बदलाव मैं अपने अंदर बहुत महसूस करती हूँ। अरे वाह, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती, यानी फ्यूचर की चिंता रहती थी, कोई चिंता मुक्त हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सुंदर साथ जी वेरी वेरी गुड। अब ये बताइए कि आप चर्चनी से जुड़े हुए हैं, आपको कौन सा सबसे फेवरेट लगता है, श्री परमधाम चर्चनी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, श्री मेहर सागर, श्री बीतक साहब या श्री सिंधी? हम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा सबसे अच्छा लगता है। देखो, चटनी अपनी जगह है, वानी अपनी जगह है, और बीतक, जब तक हम बीतक साहब नहीं समझेंगे तब तक हमें वानी नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। अब वानी समझ आएगी तभी हम चटनी को भी थोड़ा सीख सकेंगे। ये कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते कि कुछ आगे है कोई पीछे है। तो पहले मैं ये नहीं मतलब समझ पाती थी, जब मम्मी भी कहते थे और ये भी कहते थे कि जो बीतक साहब है ना वो हमारी वाणी की कुंजी है, तो मैं बोलती थी कि ये ऐसा क्यों कहते हैं ये कुंजी है। वो कहते थे कि जब तो पढ़ेगी ना तब तेरे को पता चलेगा। मैं कहा नहीं, अगर वाणी पढ़ेंगे सीधे तो क्या वाणी समझ नहीं आएगी? कहते नहीं, समझ आएगी लेकिन इतनी नहीं समझ आएगी जितनी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसमें सब जैसे ले लो कि अब मैं खुद मैंने जो नोटिस किया, जैसे कि चिंतामणि जी का प्रसंग है, ठीक है ना, वो जो उतरते हैं किरणतन उतरते हैं, जब हम सीधा किरणतन पढ़ेंगे तो हमें वो समझ नहीं आएगा इतना, ठीक है हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम किरणतन में से वो किरणतन पढ़ते हैं ना तो सारा प्रसंग हमारे सामने आ जाता है कि तब ऐसा हुआ था, तब ये किरणतन उतरा था। ये है कि हमें, फिर मैंने सारी बीतक साहब, जब श्री राजन स्वामी जी की आई ना तो मम्मी ने बोला कि ये तू बीतक शुरू कर सारी पढ़, और मैंने पढ़ी बीतक, बहुत अच्छे से पढ़ी और समझ भी आई। तब से मेरे मेरे दिमाग में यही था कि ये बीतक पढ़ने के बाद ना तो अब तो मतलब कुछ और नहीं है, कि कुछ स्वामी जी ने छोड़ा नहीं है उसमें जो हमें हमारी समझ से मतलब और हम समझ सकें। ये तो है कि फिर मैं उसके बाद जब वाणी पढ़नी शुरू की, टीका पढ़ना शुरू किया, तब सच बात है कि हमने बीतक पढ़ी हुई है तो तभी हमें कुछ समझ में आता है। और मम्मी, मैंने घर पे भी 2-3 बार बीतक मम्मी ने रखी घर में, वो भी मैंने पूरी पूरी बीतक सुनी थी मम्मी के मुंह से,
तब सुंदर साथ भी आते थे, 8-10 सुंदर साथ आते थे। एक बार हमने घर में करी थी बीतक, तो पूरा 1 महीना सुंदर साथ आए थे घर पे बीतक सुनने। तब मैंने पूरी बीतक बहुत अच्छे से सुनी थी बैठ के, और सुंदर साथ ने तब यही कहा था कि हम बीतक सुनने तभी आएंगे जब अगर तरवीन भी साथ में बैठेगी, क्योंकि ये ना हो कि हम आए तो ये चाय पानी बनाने लग जाए, हम चाय पानी नहीं पियेंगे, सिर्फ बीतक सुनेंगे और बीतक सुन के चले जाएंगे। तब से मैं बीतक मतलब मेरे अच्छे से मेरे प्रसंग का, जब आपकी बीतक सुन रही हूँ तो लगता है कि काफी प्रसंग जैसे छूट गए, क्योंकि 1 महीने में बीतक करने में ना वो थोड़ा सा सबको ध्यान भी रखना पड़ता है कि किसी पर जो मेन मेन प्रसंग है उन्हीं को लेके चलना पड़ता है ना। तो अब तो हमारा देखो ना 1 साल से ऊपर हो गया है, तो एक ही प्रसंग को लेके कितने कितने दिन तक हम उसको सुमूर करते हैं। तो अब तो जैसे लगता है कि ये तो मैंने इतनी बार सुना है, मैंने राजन स्वामी जी की भी पढ़ी है, लेकिन ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये चौपाइयाँ पता नहीं नई आ गई हैं चौपाइयाँ, कुछ ऐसे लगता है मेरे को, यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये वाले शब्द महावजी भाई के लिए कहे गए थे। अच्छा, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम तो खाली जो उनको तमाचा राज ने मारा बस उसी पे ही ध्यान देते रहते थे। तो ये होता है जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है ना, तब हम डूब सकते हैं, नहीं तो बस दूर से देख सकते हैं सागर को। तो ये राज जी की बहुत मेहर हुई, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से कि बीतक साहब आपकी फेवरेट हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से क्योंकि सारा समय आप श्री बीतक साहब की बात कर रहे थे। और पता है आप जो बोल रहे थे ना, मुझे भी ऐसा लगता था बीतक कुंजी कैसे है। अब कुछ ना कुछ प्रसंग तो जैसे चिंतामणि जी के समय पे उतरे, कोई किसी के समय पे, वो तो ठीक है, बिल्कुल बाकी वाणी की कुंजी कैसे हुई। वो दो प्रसंगों की कुंजी तो बीतक साहब हुई, हमें समझ में आ गया, बाकी वाणी की कुंजी बीतक साहब क्यों हुई। अब ये समझ में आती है बात, बीतक पढ़ते हैं ना, जब तक बीतक साहब के द्वारा दिखाई हुई रहनी पे हम उतरते जाते हैं ना, जैसे जैसे वैसे वैसे वाणी और खुलती चली जाती है। रहनी कुंजी है वाणी को खोलने की, और वो रहनी बीतक साहब सिखाती हैं। बहुत सुंदर ये बात आपने याद दिलाई आज। अच्छा, आप ये बताइए कि हम चाहे श्री कृष्ण जी के नाम से उनको याद करें या श्री जी साहिब जी के नाम से याद करें, क्या उससे भावों में कोई फर्क आता है? नहीं, हमारे भावों में इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए। देखो ना, जो शक्तियां श्री कृष्ण जी में आई वही सब श्री देवचंद्र जी में भी वही थे सब। तो मेरे को तो यही नहीं समझ आता, मैं घर में भी ये बात करती हूँ कि हम देवचंद्र जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी का नाम लेने से क्यों डरते हैं इतना, क्यों घबराते हैं? हम खुल के नाम लेते हैं, श्री देवचंद्र जी का, श्री मैराज ठाकुर जी का, श्री प्राणनाथ जी का, जैसे कि धनी श्री देवचंद्र जी जय की जय, पर श्री जय कृष्ण कन्हैया लाल की बोले से हम डरते हैं, हम चुप कर जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता जय। जी बिल्कुल क्यों सही, उसमें म्यूट क्यों हो जाते हैं हो जाते जबकि हैं, दोनों में सेम टू सेम शक्तियां सेम थी। शक्तियां थी। बिल्कुल सही। तो ये बातें श्री कृष्ण त्रिधा लीला में से बहुत कुछ पता लगा, और ये किताब भी कहाँ कहाँ पहुंच के, जहां हम में से कोई नहीं पहुंच पा रहा वहां ये किताब पहुंचती जा रही है। ये बहुत बड़ी बधाई की बात है हम सब सुंदर साथ के लिए। आप एक अब बात जो और आप है, एक बात और मैं आपको कहती हूँ, जैसे आपने श्री कृष्ण जी का नाम लिया, तो मैं ना सुबह सुबह की क्लास में जाती हूँ, योगा क्लास में, तो वहाँ जैसे सब लेडीज मिलती हैं, ज्यादातर लेडीज ही हैं हमारे क्लास में, तो वो सब आके जैसे राम राम बोलती हैं। तो पहले ना मेरे को थोड़ा सा लगता था कि सुबह सुबह जाओ राज जी का नाम लेना तो सुबह सुबह राम राम कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर मैंने मन थोड़ा सा ना जैसे हो जाता है, तो अब सब बोलते हैं तो जवाब तो देना ही पड़ता है ना, हाँ जी राम राम। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों इतना करती हूँ मन में कि राम राम बोला, ठीक है वो जिस राम को वो मानते हैं वो उसको राम राम कहते हैं, विश करते हैं कह के, हम जिस राम को हम मानते हैं हम वो, तो क्यों ना मैं अपने मन में ये लूँ, मेरे को वो शायद कबीर जी की चौपाई है, एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जिस राम को मानते हैं वो उसे राम राम बोलते हैं, तो हम तो उसी राम को राम राम बोलते हैं ना, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है ना। एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, वो हमारा, वो भी हम मतलब राम ही है जो सबसे न्यारा है हम राज्य को। ठीक, मेरे मन में बस यही बात आती है। बहुत सुंदर। और अब तो हमारे बच्चों के टीचर्स जय श्री कृष्णा बोलते थे, हम तो चुप हो जाते थे कि भाई कृष्ण जी का नाम नहीं लेना। जब से श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई है खुल के जय श्री कृष्णा बोलती हूँ मैं, उनसे भी बड़ी आवाज में बोलती हूँ, क्योंकि उनसे इतना प्रेम, मेरा जो पहला प्रेम हुआ ना सुंदर साथ जी, धनी की पहचान जो हुई ना वो श्री कृष्ण जी से हुई। बहुत सारी चौपाइयां और हैं, वो हम करेंगे। श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो सैटरडे होती है उसमें लिखा हुआ है, रास की रामतों के उनसे प्रेम करना पड़ेगा, आज भी उसके बिना कुछ बनेगा नहीं हमारा। बहुत सुंदर। तो जिन राम को वो सोच के कहते हैं, और जो चौथे राम जो हमारे हैं, जिन जो जगत से भी न्यारे हैं, सुंदर सा जी शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल के भाव उनको अर्पित करने होते हैं। ये चेंजेस जो आ रहे हैं ना सुंदर सा जी में, ये बहुत सुंदर हैं, ये बदल देंगे, पूरे ब्रह्मांड को बदल देंगे। अब आप बताइए, बहुत प्रश्न पूछे मैंने आपसे, अब आप बताइए आपके हृदय में और क्या-क्या है जो आप और बताना चाहती हो अभी। बस और कुछ नहीं। वो बहुत कम बोलते हैं इसलिए मैं प्रश्न पूछ पूछ के उनसे कोशिश कर रही थी कि वो बोलें। आपको क्या लगता है तरवीन भाभी कि किस प्रकार से हम सब मिल सकते हैं इन सब परिधियों को हटा के, और कौन से मेजर्स लेने चाहिए, हमारे मंदिरों के माहौल कैसे होने चाहिए, क्या केवल केवल कितना परसेंटेज गाने का, कितना परसेंटेज चर्चा का, कितना परसेंटेज खाने पीने का होना चाहिए हमारे मंदिरों? वैसे मैं देखती हूँ आजकल मंदिरों में, जैसे कह लो ना कि 40% खाने पीने का होता है, 40% कीर्तन होता है। शायद मैंने कम ही बोला है, ये 20% ही है जो मतलब वाणी चर्चा कर रखते हैं। पता नहीं क्या सोच के रखते हैं, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा बढ़ना चाहिए। हम जैसे मंदिरों में महानुभाव को बुलाते तो हैं, मैंने कई जगह देखा है महानुभाव को बुला के, उनको कीर्तन तो होगा 2 घंटे, लेकिन चर्चा को के लिए वो आधा घंटा भी बड़ी बहुत ही मुश्किल से टाइम देते हैं उनको। तब मन बहुत दुखता है कि कीर्तन तो हम रोज करते हैं, करते ही रहते हैं। जो महानुभाव आए हैं हमारे बीच, अगर उनको हम 1 घंटा भी ना दे सके तो क्या फायदा उनको स्टेज पे बिठाने का। जी एक घंटा अच्छा, 1.5 घंटा भी दे सकते हैं हम ये उनको। बताइए भाभी एक बात बताइए, आप बीतक साहब की प्रश्नोत्तरी बनाती हैं, जो प्रश्नोत्तरी बनाते हैं उनको डीप डाइव करना पड़ता है, बीतक साहब के अकॉर्डिंगली जितना आपने आज तक पढ़ा हो उसमें कितनी बार आया है कि कीर्तन ही कीर्तन होता रहा, या फिर ये उत्सव ही होते रहे और चर्चा हुई नहीं, या फिर चर्चा ज्यादा लिखी होती है? क्योंकि अभी तक तो श्री जी सारी बीतक साहबे में अब देखे ना तो चर्चा और चितवन ही है। अभी मैं रात को भी पढ़ रही थी श्री बीतक चर्चा, तो उसमें भी लिखा था कि 6 घंटे तो चर्चा होती थी, 6 कभी 7 घंटे 8 घंटे भी हो जाती थी चर्चा। 6 घंटे तो कम से कम होती थी, तो 3 घंटे चितवन होती थी। जो गाने वाली बारियां होती थी, कहते थे 14 बारियां, बारियों वाले थे गाने वाले, वो बारी बारी से गाते थे। ये नहीं कि 14, जो 14 बारियों वाले हैं वो 14 नहीं, सभी ने सुबह भी गाना है, सभी ने दोपहर को भी गाना है, सुबह मतलब सभी ने रात को भी गाना है। वो बारी बारी से जिनकी सुबह बारी होती थी वो तब गाते थे, और गाते भी तब थे जब चर्चा खत्म हो जाती थी, तब राज्य को श्री प्राणनाथ जी को रिझाने के लिए वो वाणी गायन करते थे। कभी ये नहीं लिखा कि वो भजन गाते थे, पता नहीं वो अपने मन के भावों के गाते भी होंगे, लेकिन वाणी गायन ही होता था कि वाणी गायन करके शिव प्राणा जी को रिझाते थे।
अभी अभी रात को ही पढ़ा मैंने ये, मतलब तो जो हमारी अष्ट प्रहर की बीतक भी है उससे हमें यही लगता है कि सारी रात सोते नहीं थे सुंदर साहब। अब तो हम रात को भी सो लेते हैं तो फिर भी दोपहर को लगता है कि नहीं सो ही जाना चाहिए 1-2 घंटे, मतलब तब लगता है कि तब सुंदर साहब कितना करते थे, कितना सारा दिन वाणी गायन में, वाणी में, चर्चा में, चर्चनी में वो करते रहते थे, और सेवा में भी लगे रहते थे सुंदर साहब, सारा दिन सारी रात भी लगे रहते थे सेवा में। पता नहीं वो सुंदर साहब कैसे करते थे, कई बार सोचती हूँ कि बस वैसा हम कभी बन नहीं पाएंगे, वैसा क्या मतलब धूल के कण के बराबर भी हम नहीं बन पाएंगे जितना हम सुंदर साथ ने किया। क्योंकि वो तो मेरे को लगता है कि वो तो जो जितने भी सुंदर साथ थे ना वो तब उस समय सब सब परमहंसी थे सब। अब तो हम उतना कर ही नहीं पाते, उतना जितनी मेहनत की है स्वामी जी ने लिखने में, तो हम तो थोड़ा सा पढ़ के थक जाते हैं, मतलब कहते हैं कि नहीं बस अब कल को पढ़ लेंगे, थोड़ी सी बस थोड़ी सी चौपाइयां पढ़नी है, हमने वाणी मंथन कर लिया है बस इतना बहुत है। जी अच्छा, अब ना इसका बड़ा सुंदर हिसाब बताया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये अभी तो अष्ट प्रहर पे हम पहुंचे नहीं, वैसे आज अष्ट प्रहर की किताब भी प्रिंटिंग में जाने वाली है। अभी अभी जैसे ही आपने बताया मुझे याद आया, सब सुंदर साथ को उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। अब 6 घंटे तो आपने बताया चर्चा होती थी, 3 घंटे चितवनी होती थी, 9 घंटे निकल चुके हैं सुंदर साथ जी। 2-3 घंटे तो कम से कम खाना पीना नित्य प्रति के अपने कार्य होते होंगे ना, 3-4 घंटे तो होते होंगे, 9 और 4 हो गए 13 घंटे। 13 घंटे में से अब और कितने घंटे बचे हैं, सोते भी थे ही सुंदर साहब, पूरी रात थोड़ी गाते रहते होंगे, तो 2 या 3 घंटे गाते होंगे, यानी 14 बारियां वाले जब गाते थे तो 10 मिनट या 15 मिनट की एक बारी होती थी, बशर्ते बशर्ते बीच बीच में आते थे वो, बशर्ते 9 घंटे इसमें स्पेंड किए जाएं, तब 2 घंटे गाने में और इसमें स्पेंड किए जाते थे। ऐसा नहीं 9 घंटे स्पेंड करो, 9 वर्सेस 2 होता था। तो आज भी यदि हम अष्ट प्रहर के हिसाब से चलें तो सुंदर साहब जी कितनी सुंदर दिनचर्या हमारी हो सकती, यदि इस रेशो को डिवाइड कर लिया जाए 9 to 2, यानी उसको कम करते जाइए, 9 घंटे के अगर 3 घंटे किया ना तो 2 घंटे को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस। आपको पता है तरवीन भाभी, आपने सोचा भी नहीं होगा, आप सोच रहे होगे मैं क्या बोलूंगी आज, है ना, मेरे पास बता क्या सोचा था आपने, बताइए। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने शीतल जी को भी यही बोल रही थी कि आपने मेरे को फोन तो कर दिया है कि मैं आपकी मीठी बत्तियों में आना है आपने, लेकिन मैं बोलूंगी क्या, मेरी मतलब अपने बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कहते नहीं अपने बारे में नहीं बताना, आपने जो भी होगा ना, जो भी आपने सुना है, जो भी आपके मतलब होंगे, आप कुछ जो पूछेंगी उसको बताती रहना आप। तो जी मैं कह ठीक है, फिर मैं बीच बीच में पहले मैंने सुने भी, काफी सुने भी है मीठी बत्तियों वाले मतलब वीडियोस है, तो बीच में काफी सुने भी, फिर मैंने वो सुनने शुरू किए कि सोनिया क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी और आज के प्रश्न तो बिल्कुल ही अलग निकले तो और शीतल मैं जी आज सेवा पूजा भी विनम्र कर रही हो थी, गए जी। आज मैं सेवा पूजा भी सुबह कर रही थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, बस कर मैं सेवा पूजा नहीं रही, मन में यही आ रहा था सोनिया क्या पूछेगी, मैं मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा। नहीं, मैं पूछ वही आता है जिसका जवाब आपके पास हमेशा होता है। तो शीतल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सेवा करने के लिए, सुंदर साथ जी को कन्विंस करने के लिए कि वो जरूर आए, और आज फिर प्रूव हो गया, शीतल जी प्रूव हो गया ना, है ना, जो बोलते हैं कि मैं क्या बोलूंगी, टाइम देखिए तरवीन भाभी 1 घंटा तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका है, हमारी ये प्यारी सखी कितनी सुंदर बातें हमें बता चुकी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, सुनिए प्राणनाथ बोलो श्री प्रानाथ प्यारे प्यारे की, की, सतगुरु बोलो श्री महाराज की जय।
श्री पन्ना धाम की जय, सर सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी जी, प्रणाम। प्रणाम।